नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स का इशू नंबर 3। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि एवेंजर्स को अचानक से कैंग द कॉन्करर मिल गया है, जिसे किसी ने घायल किया है। लेकिन तभी कैंग एवेंजर्स को बताता है कि इम्पॉसिबल सिटी यहाँ आ रही है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में अर्थ के ऑर्बिट में हम इम्पॉसिबल सिटी को देखते हैं, जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। और तब उन लोगों की लीडर कहती है कि चलो आज इन लोगों को मारने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हम वेटिकन सिटी देखते हैं, जहां पर सारे लोग आसमान में कुछ देख रहे थे। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये आइडल अल्बस्टर चुनाव करने में सबसे पहली है, क्योंकि वो जानती है कि उसे क्या चाहिए। ये कहते ही हम देखते हैं कि वेटिकन सिटी के आसमान में एक बड़ा सा क्रिएचर आया हुआ था, जिसे देखकर लोग डरे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ हम कनाडा में टोरंटो देखते हैं, जहाँ पर भी हमला हुआ था। और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि यहाँ सिटी स्मिथ ने अटैक किया है। वो एक आर्टिस्ट है और वो अपने अनुसार अपनी सिटी चुनता है। वो यहाँ ब्रिक, मोर्टर, स्टोन, ग्लास, स्टील और पाइप को देख सकता है, लेकिन इसके अलावा वो लोगों को मटेरियल की तरह दिखता है। ये सिटी स्मिथ सोच समझ के ही अपने शिकार को चुनता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि सिटी स्मिथ वहाँ के लोगों को मारने लगा था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम फिलीपींस में मनीला देखते हैं, जहाँ पर भी हमला हुआ था। और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये लॉर्ड एनुए है और ये ऐसी सिटी चुनता है जहाँ पर लोग सोते नहीं है और वहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड एनुए वहां से सारे लोगों को मारने लगता है। या दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी देखते हैं, जहां पर भी हमला हुआ था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब लॉर्ड एनुए लोगों को मारता है तो मरे हुए को द डेड अपने साथ लेता है और उन सारे मरे हुए लोगों को एक मौका देता है उन लोगों को मारने का जो उन्हें भूल चुके हैं। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर इम्पॉसिबल सिटी का एक आदमी मरे हुए लोगों को अपने साथ लेकर आया था। यहाँ दूसरी तरफ हम हेलसिंकी देखते हैं, जहाँ पर भी हमला हुआ था। और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि यह है मेरिडियम डायडम और ये बाकी की तरह नहीं है, इसे बस इंटेलिजेंट लोगों को कंज्यूम करना होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क देखते हैं, जहाँ पर एवेंजर्स को पता चल गया था। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि तैयार हो जाओ एवेंजर्स, दुनिया फिर से खतरे में है, तो सब लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर कैरल को रोकता है और कहता है कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिस पर सैम कहता है कि वहां पर लोग मर रहे हैं, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि मैं जानता हूं सैम, पर और लोग मरेंगे अगर हम मिलकर नहीं लड़े तो, और नहीं जीते तो मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं तो सिर्फ हार ना जाओ। जिस पर कैप्टन मार्वल ब्लैक पैंथर से कहती है कि मुझे लगा था कि मैं टीम को लीड कर रही हूं, जिस पर ब्लैक पैंथर कैप्टन मार्वल से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम ही लीड कर रहे हो और तुमने ही मुझे वापस लाया, तो प्लीज मेरी बात मानो। ये सुनकर कैप्टन मार्वल कुछ सोचने लगती है और कहती है कि तुम सबके पास 5 मिनट है और फिर हम निकलेंगे। तो टोनी सैटेलाइट फीड से रॉ डेटा निकालो, और विजन तुम कोई भी इंफॉर्मेशन को सबसे फास्ट प्रोसेस कर सकते हो तो मुझे तत्काल बताओ कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। थॉर और वांडा, मैं चाहती हूँ कि सारे लोगों को उनकी जगह पर रख दो। हमारे पास 5 दुश्मन है और एक बड़ा सा ऑर्बिटल क्लब हाउस, तो जल्दी जाके उन्हें रोकना है। तभी आयरन मैन कहता है कि मैंने शील्ड, स्वॉर्ड, आर्मर, वॉन्ड, हर एक जगह पर दुश्मनों के बारे में जानना चाहा, लेकिन किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो विजन तुम्हें क्या मिला। जिस पर विजन उन दुश्मनों के नाम बताता है। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल कहती है कि ठीक है चलो अब जाके उन पर हमला करते हैं और उन्हें रोकते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एल्बेस्टर को देखते हैं, जिसके सामने कुछ लोग झुककर बैठे थे। तभी ये देखकर एल्बेस्टर कहती है कि हाँ इसी तरह मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, तो झुको और मेरी पूजा करो। लेकिन तभी एल्बेस्टर के सामने थॉर आता है और एल्बेस्टर से पूछता है कि क्या तुम सच में गॉड हो।
क्योंकि गॉड कभी किसी को मजबूरी में पूजा करने को नहीं कहता है। जिस पर एल्बेस्टर थॉर से कहती है कि मेरे सामने झुको, जिस पर थॉर कहता है नहीं, ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। यह दूसरी तरफ टोरंटो में सिटी स्मिथ तबाही फैला रहा था। तभी यह तबाही देखकर सिटी स्मिथ खुश होने लगता है, लेकिन तभी सिटी स्मिथ के सामने आयरन मैन आ जाता है और सिटी स्मिथ से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अभी के अभी बंद कर दो। यह सिडनी में द डेड ने तबाही फैलाई थी। तभी द डेड उन सारे लोगों को मारकर अपनी सेना में शामिल करता है। तभी डेड कहता है कि हर एक चीज आती है और जाती है, लेकिन पेन ऐसी चीज है जो कभी नहीं जाती। लेकिन तभी डेड के सामने स्कारलेट विच आती है और कहती है कि मैं पेन से वाकिफ हूँ, मैं उस स्कारलेट विच और मैंने अपने दुख और पीड़ा को काबू में किया है और मैं तुम्हें किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। यहाँ हेलसिंकी में हम मेरिडियन को देखते हैं जो लोगों को कैद कर रही थी, लेकिन तभी उनके सामने विजन आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह सिंथेटिक हूँ, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। यहाँ मनीला में लॉर्ड एनोई सारे लोगों को मार रहा था और तब वो कहता है कि मैं अकेला ही राज करता हूँ मेरे किंगडम ऑफ स्लीप में, क्योंकि जब मेरे स्लीपर्स मारे जाते हैं तब मैं कुछ महसूस कर पाता हूँ। लेकिन तभी लॉर्ड एनोई के सामने कैप्टन मार्वल आती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ का लो ऑर्बिट देखते हैं जहाँ पर इम्पॉसिबल सिटी है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मेरा कभी नाम हुआ करता था जो आज मैं भूल चुका हूँ, पर मुझे इम्पॉसिबल सिटी कहते हैं और आज पहली बार मुझसे कोई मिलने आया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक पैंथर और सैम विल्सन आ गए थे और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।